बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज हम लोग बना रहे हैं बहुत ज़बरदस्त किस्म के यहाँ भुना हुआ कीमा, कीमा की एक ज़बरदस्त किस्म की ट्रेडिशनल रेसिपी। और उम्मीद करूँगी आप सबको ये सिंपल से इजी से रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए ताकि इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो आप सबको मिल सके। कीमा बनाने के लिए सबसे पहले उसका मसाला रेडी कर लेते हैं। उसके लिए मैंने 3 चम्मच भुना हुआ धनिया लिया है, 1 चम्मच जीरा लिया है और 4 अदर सब्ज इलायची ली है। इन सबको हम लोगों ने अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। और साथ ही मैंने एक मिट्टी की हंडिया ली है, उसके अंदर तकरीबन 1/2 कप ऑयल डाल दिया है। और उसके साथ अब उसके ऐड करेंगे तकरीबन 4 अदर चॉप किए हुए प्याज, 4 अदर चॉप किया हुआ प्याज मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और चूल्हे का फ्लेम जो हम लोगों ने रखना है वो बिल्कुल स्लो रखना है, और अच्छे से हम लोगों ने इसको फ्राई कर लेना है। मसालों में अब जो खड़े मसाले डाले उसमें 2 अदर इलायची, 2 अदर मैंने ली है दालचीनी, और 1 चम्मच मैंने काली मिर्च साबुत ली है, और साथ ही जायफल जावित्री और 1 टमाटर लिया है चॉप किया हुआ, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और साथ ही ये खड़े मसाले इसके अंदर डाल दिए हैं, और हम लोगों ने कर लेना है इसको अच्छे से मिक्सिंग। हंडिया में एक भुना हुआ कीमे का एक अलग ही फ्लेवर, एक अलग ही टेस्ट आता है। और साथ ही मैंने लिया है तकरीबन 1/2 kg मटन का कीमा, ये हाथ से चॉप किया हुआ कीमा है, मशीन से चॉप किया हुआ नहीं है। जब भी कीमा बनाएं तो इस बात का ख्याल रखें कि कीमा बनाते वक्त और बाजार से लाते वक्त इसको हाथ से कटिंग करवाएं। और साथ ही डाल दें मैंने इसके अंदर 1 गिलास पानी, और अब हम इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्सिंग। और अब इसे रखेंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए ताकि हमारा जो मटन है अच्छे से बॉयल हो जाए। ढक्कन बंद कर देंगे, और ये जो हमारा मसाला था जो हमने उन्हें ब्लेंड कर लिया है तो वो ये देखें ये कितना अच्छे से ब्लेंडिंग हो चुका है। अब हम लोग इसे निकाल लेते हैं और डाल देते हैं कीमे के अंदर, और फिर से कर लेंगे अच्छे से चम्मच के साथ मिक्सिंग। और फिर मज़ीद हम लोग इसे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए पका लेंगे। ये 6 मिनट हो चुके थे, और ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त ये अच्छे से बॉयल हो चुके हैं। और अब इसके अंदर डाल दिया मैंने 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, और फिर से मिक्स करेंगे इसको अच्छे से। और अब इसके अंदर डाल दिए हैं तकरीबन 1 चम्मच सुरख मिर्च, और साथ ही अब इसमें डाल दिए हैं 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच नमक, और साथ ही हम लोगों ने इसके अंदर डाल दिए हैं तकरीबन 1 चम्मच मैंने गरम मसाला इसके अंदर डाल दिया है। और साथ ही अब हम लोग तो क्या करेंगे, हम लोग इसे कर लेंगे अच्छे से मिक्स, और फिर से हम लोग इसे अच्छे से पका लेंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। स्लो फ्लेम पर हम इसे पकाएँगे 10 मिनट के लिए, और ये इसमें डाल दिया तकरीबन 1 कप दही, फिर से मिक्स करेंगे, और फिर से हम इसे पकाएंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। और साथ ही माशाल्लाह माशाल्लाह से ये देखें तकरीबन 10 से 20 मिनट हो चुके थे, कीमा कितने अच्छे से मज़ेदार किस्म का रेडी हो चुका है, और बहुत मज़ेदार किस्म की इसमें खुशबू आ रही है। और सर्विंग करने से पहले हम इसमें मैंने इसमें डाल दिया 3 अदर सब्ज़ मिर्च, और साथ ही हम इसे धनिया से गार्निश कर लेंगे। बहुत ज़बरदस्त कीमा भुना हुआ आप सबके सामने रेडी हो चुका है, बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खुशबू आ रही है इसके अंदर से। अगर आप सबको ये कीमा की रेसिपी अच्छी लगे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।